आज हम देख सकते हैं जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार हुआ है। आज वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन में हमारे कटिल जी गए थे। वंदे भारत ट्रेन जो दुनिया के किसी भी प्रगत राष्ट्र की ट्रेन से अच्छी ट्रेन है, ये पूरी की पूरी ट्रेन भारत में बनी है और धीरे धीरे अभी तो 180 की स्पीड से भागती है। मुझे रेल मंत्री जी कह रहे थे कि हम थोड़ा जो पटरी है, रेल रूट है, उसको ठीक कर रहे हैं। उसको ठीक करने के बाद 250 किलोमीटर पर आवर से हमारी वंदे भारत ट्रेन जाएगी। तो आप विचार कीजिए, जिस प्रकार के आज हम लोगों ने रोड का नेटवर्क तैयार किया है, हमारे कर्नाटक में भी हम लोग देख सकते हैं, इतने बड़े पैमाने पर हाईवेज इससे पहले कभी बने नहीं थे, इतने हाईवेज यहां पर बने हैं। पर मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूं कि मैं लेह लद्दाख गया था और वहां पर एक वहां पे सेना के साथ एक मिलिट्री के साथ मेरा प्रोग्राम था और वहां के मिलिट्री के जो कमांड के प्रमुख अधिकारी है उनके साथ मैंने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वी वुड लाइक टू थैंक मोदी गवर्नमेंट। मैंने कहा किस लिए? उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर जो रास्ते उन्होंने बनाए, और फिर उन्होंने बताया कि पिछली जो यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह की, उस सरकार में हमने कहा कि चाइना बॉर्डर तक रोड से लेकर आ रहा है और चाइना अगर बॉर्डर तक रोड बना देगा तो चाइना का आर्म्स एंड अम्यूनिशन 24 घंटे में बॉर्डर पर आएगा और वो हम पर हमला करेगा और हमारे यहां रोड्स नहीं है, हम 8 दिन तक आर्म्स एंड अम्यूनिशन वहां पर मूव नहीं कर पाएंगे और हमारे देश की हालत खराब हो जाएगी। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा हम इसीलिए रोड नहीं बना रहे क्योंकि चाइना खुद की बॉर्डर तक तो आ जाएगा लेकिन अपने बॉर्डर में तो रोड ही नहीं है, तो अपने बॉर्डर में कैसे घुसेगा, इसलिए चाइना अपने बॉर्डर में नहीं आया इसलिए हम रोड नहीं बना रहे। इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण जवाब उस समय मिलता था। मोदी जी की सरकार ने ऐसे रोड वहां पर बॉर्डर पर बनाए कि चाइना 24 घंटे में अपनी सेना लेकर आएगा तो भारत 12 घंटे में अपनी सेना लेकर 12 आवर्स में वहां पर पहुंच सकता है। तो इस प्रकार के रोड्स, लेकिन केवल बॉर्डर पर नहीं, हर राज्य में आज हमारे हाईवेज देखिए, आज हमारे एयरपोर्ट्स देखिए, जिस भारत में 74 एयरपोर्ट्स थे उस भारत में अभी 150 एयरपोर्ट्स, यानी 10 साल में दुगने 2 times एयरपोर्ट्स ये भारत में मोदी जी ने बनाए। और इसके साथ साथ आज हम लोग देख सकते हैं कि 15 करोड़ लोग ये फ्लाइट से आज घूमते हैं और एक एयरपोर्ट जब बनता है, आज आप किसी भी बिजनेस को पूछिए कि आप बिजनेस कहां लगाएंगे, वो कहता है जहां पास में एयरपोर्ट है वहां मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, जहां पास में एयरपोर्ट है वहां मैं बिजनेस करूंगा। एयरपोर्ट ये केवल लग्जरी नहीं है, अब देश में एयरपोर्ट ये इस प्रकार का कम्युनिकेशन का साधन है कि जहां एयरपोर्ट होता है वहां बिजनेस जाता है, वहां फैक्ट्री जाती है, वहां इंडस्ट्री जाती है और वहां पर जॉब्स तैयार होते हैं। ये मोदी जी ने निश्चित रूप से करके दिखाया है।